हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारे पास ये एक लाइटिंग वाला झूमर रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है, जिसमें कस्टमर ने बोला कि इसमें ये कंट्रोलर नहीं है, तो वो कंट्रोलर भी साथ में लाया है। ये वाला इसमें लगाना है, ये रिमोट वाला, जो कि इसमें कनेक्शन करना है। तो वो किस तरह से कनेक्शन करना पड़ेगा वो आपको दिखाएंगे। और इसमें ये मैंने देखा तो मेरे को लगा कि इसमें ये वाला लाइटिंग शायद ख़राब है इसका। ये देखो, आपको दिख रहा होगा ये निशान यहाँ पे, ये शायद ये लाइटिंग ख़राब है। मगर फिर भी हम उस कंट्रोलर को इसमें लगाएंगे, किस तरह से लगेगा वो भी आपको दिखाएंगे। उसके लिए हम कैमरे को स्टैंड पे लगा लेते हैं सबसे पहले, फिर चालू करते हैं। यहाँ पे हमने कैमरे को स्टैंड पे लगा लिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमारा कनेक्शन किस तरह से होगा, वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। और इसमें एक रिमोट आता है और एक ये सेल आता है, जो कि ये 12 वोल्ट का होता है। आपको दिखे तो दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये 12 वोल्ट का सेल है और ये एक रिमोट है। यहाँ पर ये सेल लग जाएगा हमारा। यहाँ पर हमने इसको सेल को लगा लिया है। अब यहाँ पे कंट्रोलर को देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा होता है, फिर भी आपको दिखा दे। यहाँ पे ये रेड और ये ब्लैक हमारा मेन एसी सप्लाई का, और ये कॉमन है, और ये ए ग्रुप और बी ग्रुप, जो कि ये दोनों को कंट्रोल करता है। उसके लिए ये उसके कनेक्शन हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ब्लैक वाला हमारा कॉमन है, जो कि ये फर्स्ट वाला हम लगाएंगे कॉमन में, ये फर्स्ट वाला। तो ये हमारा कॉमन का है, वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और उसके बाद ये वाइट वाला, इसमें भी इस तरह से कलर दिया हुआ है, मगर ये दोनों ए और बी ग्रुप के लिए होते हैं, जो कि इसमें 2 लाइट लगी हुई होती है। तो यहाँ पे ये वाइट वाला, और ये लास्ट में बचा ये ब्लू वाला, जो कि ये बी ग्रुप का है। ए और बी में शायद एक ग्रुप का होगा। तो यहाँ पे ये वाले हमने लगा लिए हैं। अब बचे हमारे 2 तार, जो कि ये मेन एसी सप्लाई के। तो यहाँ पे हम एसी सप्लाई के दोनों तार को लगा लेते हैं, फिर इसको सप्लाई देके देखेंगे कि इसमें हमारा किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ से हम एसी सप्लाई इसमें दे देते हैं। यहाँ से एसी सप्लाई को ऑन करेंगे, एक मिनट। यहाँ से हम एसी सप्लाई को ऑन करते हैं, शायद ये हुआ ऑन। ये देखो, यहाँ पे ये हमारा ऑन हो गया है। और यहाँ से ये ग्रुप है, या भी ये हमारा रिमोट कंट्रोल क्यों नहीं चल रहा है? ये शायद सेल नहीं चढ़ा है, ये सेल गलत लग गया है इसके नाम से। ये देखो, यहाँ पे हमने ये सेल लगा लिया है। अब हम ये देखो, हमारा बी ग्रुप में ये कलरिंग वाली है, और ये ऑन ऑफ का है। यहाँ से मेन ऑन ऑफ हो जाता है। ये ए ग्रुप बी ग्रुप वाला है। देखो, ये इसमें ये वाला लाइट नहीं जल रहा है, मैंने बोला था। ये वाला हमको दिख रहा है कि ये शायद हमारा शॉर्टिंग है, बाकी इसका काम अच्छा है। ये देखो, यहाँ पे रिमोट से ही ऑपरेट हो जाता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।